बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों के नाम खत उसका तीसरा बाब और उसकी 17वीं आयत से लेकर 4थे बाब की पहली आयत तक। ऐ भाइयों, तुम मेरे साथ मुकल्लिद हो और उन लोगों पर गौर करो जो उस नमूने पर चलते हैं जो हम में देखते हैं, क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, उनका फखर उनकी शर्मनाक बातों पर है। वो दुनियावी चीज़ों की फिक्र में हैं, लेकिन हमारा वतन आसमान पर है और हम वहीं से निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की राह तकते हैं, जिस कुदरत से सब चीज़ों को अपने ताबे कर सकता है। उसकी तासीर के मुताबिक वो हमारे पस्त हाल बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। इस वास्ते ऐ मेरे प्यारे भाइयों, जिनका मैं मुश्ताक हूँ, जो मेरी खुशी और ताज हो, ऐ प्यारो, खुदामन में इसी तरह कायम रहो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।